नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन प्रणव के साथ। दोस्तों हम यहाँ पे किचन का फिटिंग करने वाले हैं, तो अपन किचन का फिटिंग किस तरह से करेंगे उसका पूरा डिटेल से बताऊंगा। नीचे से जो अपना फर्श से कितने ऊपर हाइट पे वो पॉइंट लगेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा, और दोनों पॉइंटों के बीच में कितना दूर होनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग करने वाले हैं। दोस्तों नीचे से अपना जो पॉइंट होगा वो हम 40 इंच में लेंगे, 40 से 42 में। तो दोस्तों हम यहाँ से फर्श में वो क्यों लेंगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों 32 का अपना प्लेटफॉर्म होता है और 3 इंच का अपना ईंट लेंगे तो 32 और 3 35 होता है। 35 के बाद दोस्तों एक ऊपर है वो एक अलग से स्कटिंग और लगता है, 3 इंच उसका मान लेते हैं तो ये 38 होता है। तो हम चाहेंगे कि अपना 40 और 42 पर अपना पॉइंट हो। तो दोस्तों हम यहाँ से फर्श से नपती कर लेंगे इसका, यहाँ पे अपना पॉइंट लगाने वाले हैं यहाँ से। और दोस्तों इसका सेंटर कैसे करें, दोस्तों यहाँ पे जो सिंक लगेगा साइड से जो दीवार होगा प्लास्टर होगा और टाइल्स लगेंगी, और यहाँ पे बीच में जो जगह छूटेगी उसके लिए हम 6 इंच है वो अपना जगह छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए ये देखिए दोस्तों अपना 6 इंच यहाँ पे इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद में दोस्तों इसका जो सेंटर पॉइंट किस तरह से बनाएंगे कि अपना इस तरह से लगाएं कि जो सिंक के सेंटर में अपना वो पॉइंट आ जाए। दोस्तों यहाँ पे हमने इसे 6 इंच जगह छोड़ दी है। इसके बाद में अपना जो सिंक होगा वो 24 इंच का आएगा, तो हम यहाँ से 2 फुट इसका नपती कर लेते हैं पहले 24 इंच। ये देखिए दोस्तों तो यहाँ अपना सिंक है वो यहाँ तक आएगा। अब इसका हम सेंटर निकालने वाले हैं, ये देखिए 1 फुट हो गया। अब दोस्तों ये अपना 1 फुट है यहाँ पे और अपने पॉइंट लगने वाले हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस यहाँ पे मिक्स लगेगा, अगर सिंगल पॉइंट लगता है तो हम यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे मिक्स लगेगा। तो 3 इंच दोस्तों इधर रखेंगे और 3 इंच इधर, इससे हम 6 इंच का सेंटर कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ से हम 3 इंच इधर बना देते हैं और दोस्तों इधर 3 इंच इधर, यहाँ पे अपना है वो दोस्तों गर्म का पॉइंट आएगा और इधर अपना ठंडा पॉइंट आएगा। तो इसी तरह दोस्तों अब इसका पूरा नपती करेंगे, तो ये अपना आ रहा है 15 इंच। हम 15 इंच पर यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे। अब दोस्तों ये दोनों है इसको हम मिला देंगे आपस में ताकि जिरी मारने में आसानी हो। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने मिला दिए। अब 6 इंच हम यहाँ पे इसका नपती कर लेते हैं कि दोनों में बराबर पॉइंट है वो हो। दोस्तों कम से कम जो मिक्स लगेगा उसमें हमें 6 इंच हमें छोड़ना चाहिए, 5.5 से 6.5-7 तक हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें 6 इंच एकदम एडजस्ट होता है तो 6 इंच इसमें यहाँ पे छोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पे अपने पॉइंट बनने वाले हैं। दोस्तों इसका जो फिटिंग होगा वो बाहर की साइड से आएगा, तो यहाँ पे अपना एक ड्रिल लगा के बाहर से हम लाइन ले लेंगे। दोस्तों जो आरओ का पॉइंट बनेगा वो हम ये जो नीचे वाला पॉइंट है इससे हम 15 इंच से 18 इंच के बीच में रखने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों हम यहाँ पे इसे लगा देंगे पॉइंट को और 2 पॉइंट अपने अंदर ऊपर बन जाएंगे। दोस्तों इसे पूरा झिरी निकाल के और एक एक पॉइंट के बारे में पूरा डिटेल से मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, और वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों हम जब भी झिरी निकालते हैं तो हमारे पास ग्राइंडर इस तरह का होना चाहिए। दोस्तों इसमें ये जो ग्राइंडर है ये 5 इंच का ब्लेड इसमें आसानी से आता है। काफ़ी जगह आपने देखा है कि 4 इंच में लोग 5 इंच का ग्राइंडर वो ब्लेड लगाते हैं, ये 5 इंच का ब्लेड वाली साइज का है। और दोस्तों इसमें ये जो आपका सेफ्टी है ये जरूर लगाया, क्योंकि दोस्तों अगर ब्लेड टूटता है तो यही अपना सेफ्टी इस तरह से निकालते हैं, ब्लेड टूट के आगे की साइड में चलेगा पीछे की साइड में नहीं आएगा, तो इसे हम सेफ हो सकते हैं। अनहोनी जो होती है गाड़ी चलाते समय उनसे भी अच्छी तरह से बच सकते हैं, तो आप ये सेफ्टी जरूर लगाएं। दोस्तों ये बहुत ही हल्का ग्राइंडर है, इसे सिंगल हाथ से कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हम सिंगल हाथ से भी चलाना पड़ता है, तो उसमें सिंगल से भी चला सकते हैं, तो ये काफ़ी हल्का है। तो इस तरह का ग्राइंडर यूज करें। और दोस्तों सबसे बढ़िया आपकी इस तरह की ये जो सेफ्टी है ये जरूर लगाएं। दूसरा दोस्तों हम जो ग्राइंडर जो जीरी तोड़ते हैं वो काफ़ी बार हम छेने पे से तोड़ते हैं, तो छेने थोड़ा आप कम यूज़ करें, आपका समय बच जाएगा। और इस तरह का जो चिपकिंग मशीन तोड़ने का होता है उस तरह का मशीन यूज़ करें, इस तरह ही मजे इसमें दोस्तों बिट डलने का होता है, छेनी इसका मुँह जो होता है वो छेनी की तरह होता है इस तरह से इससे जरी कर सकते हैं। अब मैं जरी निकाली और तोड़ के दिखाऊंगा आपको। दोस्तों इसका जो कॉस्ट है वो 4000 के लगभग है, मैंने जब खरीदा था तो उस टाइम की बात है, अब इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन आप इससे हल्का जो मशीन था आपके बजट के हिसाब से हो मार्केट में इस तरह से गए कि दोस्तों आप अगर काम है वो फास्ट करना चाहते हैं, अपने काम को गति देना चाहते हैं, अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको औजार की जरूरत पड़ेगी। इस तरह दोस्तों तोड़ने के लिए मशीन का यूज़ करें, और आप इस तरह का ग्राइंडर लेके 5 इंच के ग्राइंडर में दोस्तों ब्लेड अच्छे अंदर तक चली जाती है, जरी जल्दी टूट जाती है, तो आप 5 इंच का ग्राइंडर काम करें और दूसरी सेफ्टी दूर लगे। अब दोस्तों यहाँ पर जरी निकाल के यहाँ पर फिटिंग करूँगा तो पूरा डिटेल से बताऊँगा कि पानी फिटिंग किस तरह से किया जाता है, और वीडियो के अंदर बने रहें।
दोस्तों हमने यहाँ का पानी फिटिंग है वो कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो गीजर का लाइन अपना वो 1.25 इंच में है, और जो पानी का लाइन है वो 1 इंच का है, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों इन दोनों के बीच में जो गैप है वो हमने 6 इंच के लगभग रखा है, ये देखिए ये 6 इंच है, इसे हम 7 रख सकते हैं। और इधर हमने RO का पॉइंट दे दिया है, ऊपर ये अपना गीजर के लिए इनलेट होगा या आउटलेट होगा, ये हॉट वाटर सॉरी कोल्ड वाटर है, ये हॉट वाटर है, आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों वो हमने लेवल में किया है ताकि दिखने में सुंदर लगे। दोस्तों यहाँ पे हमने एक सादा टी लगाया है, यहाँ पे ब्रास टी लगा दिया है, और ये सादा जो टी है 1 इंच का वो बाहर की साइड में है, अपना जो लाइन आएगा वो बाहर की साइड से आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और नीचे से हम पॉइंट देने वाले हैं। और इस तरह से दोस्तों हमने ये किचन का जो काम किया है। दोस्तों इलेक्ट्रिक करी के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।